ये वेरिएंट जो है यूके में भी मिला है, अब इंडिया में जिस तरह से केसेस आए हैं, हालांकि 40 केसेस अभी हैं, ये डेटा अभी अपने आप में बहुत कम है, लेकिन जो भी उपलब्ध जानकारी इसको लेकर अभी तक है वो किस तरफ इशारा करती है? थैंक यू मीनाक्षी। ये पहली बात हमें समझनी है कि म्यूटेंट क्यों बनता है। जैसे आप दूसरे से लड़ें और उसको आपके बारे में सब पता हो तो आप मारे जाएं, वायरस इसलिए म्यूटेट करेगा कि वो सरवाइव करे, और ये प्रोसेस चलता रहेगा एवरी फ्यू डेज, एवरी फ्यू टाइम्स जो वायरस मल्टीप्लाई करेगा। और अभी हमने सिर्फ डेल्टा प्लस है, जैसे डॉक्टर शशांक कह रहे थे कि हर डिस्ट्रिक्ट से हम 100 सैंपल ले रहे हैं और वो भेजे, पर अगर आपके टोटल 50,000 40,000 लोग इन्फेक्टेड हैं और उसमें से आपने 1,000 सैंपल भेजे, 2,000 भेजे, और उनमें से आपको पता लगा कि हमारे 50% डेल्टा या 20% डेल्टा प्लस है, तो आप इमेजिन करिए कि टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग डेल्टा या डेल्टा प्लस से होंगे। 40 पॉजिटिव मीन्स आउट ऑफ हाउ मेनी टेस्टेड। अब जैसे अभी आज डेल्टा जो है ऑलमोस्ट 90-95% यूरोप में या यूएस में करीब 20-25% हो गया, और उनको ये डर लग रहा है कि अगर यूएस में नई वेव आई अगस्त के अंदर, सितंबर में यूके में आई, तो डेल्टा की वेव होगी, हो सकता है उसके अंदर एक प्रपोर्शन डेल्टा प्लस भी हो। हम लोगों के यहाँ से जो डेल्टा गया है दैट हैज गॉन टू अदर कंट्रीज। तो इसी तरह से अगर हमारे यहाँ एक सिटी से, लेट अस से महाराष्ट्र से या एक प्रोविंस में महाराष्ट्र से अगर डेल्टा प्लस निकला है तो ये सारे कंट्री में स्प्रेड करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, ये स्प्रेड करेगा, क्योंकि जब हम डिफरेंट टाइम पे अनलॉक कर रहे हैं तो ये स्प्रेड करेगा। और इसकी डिजीज क्या थर्ड वेव ला सकती है, इसके लिए हमें जरूर अपनी समझ, अपनी एहतियात रखनी है। पर इसके बारे में कुछ और समझना जरूरी है डेल्टा के लिए। जैसे हमारी करंट एमआरएनए फाइजर की वैक्सीन है, मॉडर्ना की वैक्सीन है, जो एमआरएनए वैक्सीन है वो सिंगल डोज में 30% एफिकेसी देगी, पर अगर दो डोज लगे इवन वे डेल्टा वेरिएंट उनकी 80-85% एफिकेसी। पर जो कोविशील्ड या जो एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन है इनकी दो डोज के बाद में भी 60% एफिकेसी करीब आपके इनके जो वेरिएंट्स के साथ में पाई गई। कोवैक्सीन के बारे में पूरी डिटेल्स नहीं, व्हाट आई डोंट वांट टू से कि वैक्सीन खराब है, पर यह मतलब है कि वैक्सीन आपको टोटली प्रोटेक्ट कर पाएगी ये कहना मुश्किल है। इसलिए आप वैक्सीन जरूर लगवाइए, जल्दी से लगवाइए, हो सकता है आप 60-70-80% वाले ग्रुप में आ जाएं जिसमें प्रोटेक्शन हो, डिजीज माइल्ड हो, पर अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई है और ये वेरिएंट आ गया तो हो सकता है कि डिजीज बहुत सीवियर, ये मोर ट्रांसमिसेबल है। पहले हम लोग कहते थे हाँ भाई 15 मिनट तक आप कॉन्टेक्ट में रहें दूसरे के तब वायरस आएगा, अब ये कहने लग गए कि हाँ भाई आप आधा मिनट भी अगर साथ में रहेंगे दूसरे आदमी के जो पॉजिटिव है, क्योंकि ये एयर के अंदर घूम रहा है, अब ये आपका ड्रॉपलेट से नहीं है, एरोसोल में है, तो ट्रांसमिशन कैन बी फास्टर, इट इज मोर, इट कैन बी मोर लीथल, इट कैन बी मोर सीवियर, इट कैन इवेड योर ओन इम्यूनिटी, और वैक्सीन इंड्यूस्ड जो आपकी प्रोटेक्शन है उसको भी इवेड कर सकता है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हम अनलॉक करें तो सबसे पहले अपने आप को लॉक कर ले, अपने आप को लॉक, जैसा डॉक्टर अरविंद ने कहा यू पुट डबल मास्क ऑल द टाइम, यू विल नॉट मीट पीपल और लेट अदर्स कम टू यू अनलेस यू आर वेरी वेल मास्क, वही एक प्रोटेक्शन रहेगा। बिल्कुल डॉक्टर सरीन, जो बात का जिक्र आपने किया, डॉक्टर अरविंद भी जो बात कह रहे हैं कि वायरस